याद रख लें कि महज गुनाह करवाना शैतान का एम और ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसको ऑब्जेक्टिव है दोजख में ले जाना, हाँ वो गुनाह करवा के ले जाए, हाँ बद अकीदा करवा के ले जाए, और भले सारी जिंदगी नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, तबलीगें करें, मदरसे बनाएं, अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करें, शरीयत शरीयत की रट लगाएं सारी जिंदगी, मगर रसूल पाक का अदब दिल से खत्म कर दें, आका का अदब मोहब्बत तज़ीम और तकरीम खत्म कर दें, उसका काम हो गया। बाप सारी जिंदगी नमाजें पढ़े, यहाँ मोटे काले निशान माथे पर बना दें, उसका क्या जाता है, पढ़ते फिरे नमाजें, उसे पता है कि मैंने इस शख्स को बद अकीदा कर दिया है, इसकी बद अकीदगी इसको जहन्नुम का ईंधन बना जाएगी, नमाजें किसी खाते में नहीं। वो सारा कुछ करवाए आपसे, नमाज पढ़े, मदरसे बनाए, तबलीग करें, किताबें लिखें, दाढ़ियां रखें, सब कुछ करें, मगर हुजूर की अहले बैत की मोहब्बत की निकाल ले आपके दिल से, अहले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल से निकाल ले, उनका बुग्ज़ डाल दे, उनसे नफरत डाल दे, अदावत डाल दे, आपका ईमान बर्बाद हो गया, आप जहन्नुम का ईंधन हो गए। सारा कुछ करें, हुजूर के सहाबा कराम की अदावत और बुग्ज़ डाल दे आपके दिल में, उनको काफिर कहें, उनको मुनाफिक कहें, उनसे नफरत करें, सब सितम करें, सब कुछ बर्बाद, आपको जहन्नम का ईंधन बना दिया उसने। अल्लाह के महबूब मुकर्रब बंदो औलिया सालेहीन से नफरत पैदा कर दे, सब कुछ बर्बाद हो जाए।